तो दोस्तों अब हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ये रासे गांव से थोड़ा सा और आगे हम लोग आ गए हैं, करीब 1.5 किलोमीटर। और प्लान ये है कि हम यहाँ से बंतोली जाएंगे, और जो बंतोली है वो करीब 5.5 से 6 किलोमीटर है यहाँ से, और बीच में गांव पड़ता है गोंडार। तो या तो हम गोंडार रुकेंगे, गोंडार करीब यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, और अगर टाइम बचा तो हम बंतोली रुकेंगे। बेसिकली हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग कवर कर पाएँ इस बार अभी शाम को, तो वो ट्राई करेंगे, और या तो बंतोली या फिर गोंडार। तो अपना ट्रैक शुरू करते हैं हम, लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। तो पहले तो कुछ सीढ़ियाँ आई हैं, और सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी आई हैं यार ये। तो भाई लोग यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, और सामने वहाँ पर अगर देख पाओ तो लंगूर हुड़दंग कर रहे हैं, लंगूर है यहाँ पे काफ़ी। वो देखो अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ देखो लंगूर बैठे हैं, ये देखो ये लंगूर बैठे हुए हैं, ये लंगूर है। सामने थोड़ा बच के चलना पड़ेगा यहाँ से, और काफ़ी लंगूर है यहाँ पर। भाई चढ़ाई तो बड़ी ख़तरनाक है, एक्चुअली उतरना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टफ है यहाँ से। देखो ये है मध्य माहेश्वर, 14.5 किलोमीटर, नानू 9 किलोमीटर, खडरा खाल 7 किलोमीटर, वंतोली 5 किलोमीटर, और गोंडार 4.2 किलोमीटर। ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ा प्लेन हुआ है बट काफ़ी कच्चा है ये, जैसा कि बाकी जो ट्रैक्स हैं केदार के, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही कच्चा ट्रैक है। थोड़ा बहुत बीच में ये है बट काफ़ी ही तेज़ ढलान है ये। ये एक बड़ा प्यारा झरना है, बड़ा छोटा सा है बट अच्छा। घोड़े यहाँ भी चलते हैं यार, भाई साहब, पर बहुत कम घोड़े यहाँ पे। तो हम किसी से बात कर रहे थे, बेसिकली अभी एक बंदे ने बताया कि ऊपर कल 5 इंच करीब बर्फ़ पड़ी है, तो ऊपर माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो हमने अपनी बड़ी जैकेट, रेनकोट ये सब रख लिया है, क्योंकि बहुत ही ठंड होगी, -2 डिग्री बता रहे हैं अभी, और रात को और नीचे गिर जाता है टेम्परेचर। तो उसको देखते हुए हमने अपना मामला सेट कर लिया है, और मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े भी रख लिए हैं, और तो थोड़ा सा भारी हो गया मेरा बैग, बट स्टिल सर्दी में मरने से बेटर है कि थोड़ा सा सेफ्टी लेके चलें। हम कुकिंग का सामान लाए थे बट कुकिंग का सामान हमने नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि बहुत भारी हो जाता, तो इसलिए कुकिंग का सामान हमने नहीं लिया है। उसके जगह पे हमने अपने एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए हैं, ताकि अगर हम गीले हों तो फिर उसको हम यूज़ कर पाएँ। यार रास्ता तो बड़ा अच्छा है, कोई बता रहा था कि ये रास्ता ख़राब, बट रास्ता बड़ा अच्छा है। ये भाई देखो किसी की जैकेट है, ये लेकिन बहुत ही सुंदर है। दरअसल ये जो जगह है ना, ये बहुत ही अंडररेटेड है। बेसिकली क्या है, जो हमारे पंच केदार हैं, उन पंच केदार में लोग ज़्यादातर केदारनाथ की यात्रा करते हैं, और मैक्सिमम तुंगनाथ की। लेकिन ये जो मध्य महेश्वर है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक भी है, और थोड़ा सा अंडररेटेड भी है, लेकिन मैं बोलूँगा ये सबसे सुंदर केदार में से एक है। हालाँकि केदार सारे सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है, और बहुत बढ़िया है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब 3500 मीटर है, यानी करीब करीब 11500 के आसपास होता है ये
तो सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, और बर्फ़ में अगर दिखाना चाहूँ आपको तो बर्फ़ अभी भी है, अगर वो ग्लेशियर आप देख पाओ सामने तो। लेकिन वो देख रहे हो आप सामने, ये थोड़ा घूम करता हूँ, ये जो है ये सब बर्फ़ है। यार नज़ारा तो इतना सुंदर है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद ही ना करूं, लेकिन ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, करीब 20 किलोमीटर का, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा मैं इसको शूट करूं। तो बीच बीच मुझे बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुंदर नज़ारों के दर्शन करा पाऊँ। अब मैं सोचता हूँ कि भगवान शिव यहाँ पे क्यों आके बसे, ये जगह इतनी सुंदर है यार। हमारे भोले बाबा स्वर्ग में, धरती पे स्वर्ग है। वाव, ऑसम। और भाई साहब ये देखो, झरना स्वर्ग से आ रहा है ये। क्या यार इतना सुंदर दृश्य है, मैं आपको बता नहीं सकता। झरना, और देखो रूम में मिल गया, और यहाँ से नीचे जाना है, और यहाँ से और भी नीचे जाना है। ये यहाँ से नीचे आके ये हमारा रूम है। रूम इतना बड़ा है कि शुरू होते ख़त्म हो गया, ये देखो। और यहाँ पे ये बेड है, ऊपर ये सामान रखने की जगह है, बिल्कुल छोटा सा रूम है, मतलब ये समझ लो कि 6x6 का ही है। बस एक बेड है, और बेड के अलावा ये बस इतनी सी खड़े होने की जगह है, और ये मिला है हमें 500 रुपये में। तो दोस्तों फाइनली हम आके गोंडार में रुक गए हैं। हमने अपना ट्रैक शुरू किया था करीब करीब 4:30 बजे, और यहाँ पर हम करीब 6 बजे करीब आ गए थे यहाँ पे गोंडार में। प्लान तो हमारा यह था कि हम बंतोली जाएंगे, बंतोली यहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर और आगे है। तो हम सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा हम लोग ट्रैक कवर कर पाएँ आज वो बेटर होगा, बट रास्ते में हमें अंधेरा हो गया। अब ये इतना सुंदर लग रहा था हमें रास्ते में कि हम काफ़ी रास्ते में रुक रुक के वो फ़ोटोज़ और वीडियो बना रहे थे, और क्योंकि झरने बड़े सुंदर थे वहाँ पे और पानी बह रहा था, वेजिटेशन बड़ी सुंदर थी, तो वो टाइम थोड़ा निकल गया उसमें। और वैसे भी हम लोग जब कुंड पहुँच रहे थे, जो मेन का हाईवे है NH-58, तो वहाँ पे जाम लग गया, और कुंड जो जगह है कुंड में वहाँ पे काफ़ी तगड़ा जाम था, तो हमें करीब करीब 1 घंटा वहाँ पे हमारा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लेट हो गए। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग 4 से 4.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है रांची से गोंडार तक का, तो ये हमने फाइनल अचीव कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि जो यहाँ का खाना था डिनर, वो बड़ा अच्छा था। नॉर्मली हम जब रुकते हैं कहीं पर तो
होटल का खाना मिलता है। अब उसमें क्या होता है, खाना तेल कैसा है या उसका मसाले कैसे है पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये रही कि जो ट्रेडिशनल जो घर होते हैं ना, जो गांव में जो घर होते हैं, वैसा खाना मिला हमें। राजमा और एक और दाल जो इनकी कोई होती है, मुझे नाम नहीं पता, लोकल गढ़वाल की दाल होती है, छोटी सी होती है, उसकी तो इन्होंने दाल बना रखी थी। रोटी थी, उसमें देसी घी था और आलू की सब्ज़ी, और आलू की सब्ज़ी था उसके अंदर जो छिलके थे उन्होंने छीले नहीं थे। तो पहले अगर आप टाइम में देखो तो लोग छिलके नहीं छीलते थे और छिलके खाने बड़े छिलकते थे, तो वो सब्ज़ी मिली तो मज़ा आ गया। खाना इज़ फैंटास्टिक और बहुत महंगा नहीं था। ये जो रूम देख रहे हो, हालांकि बहुत छोटा सा रूम है ये, बिल्कुल आप घुसो घर ख़त्म हो जाएगा। ये रूम हमें मिला है करीब 500 रुपये का, और जो पर प्लेट हमें खाना मिला है वो मिला है 120 रुपये का। तो कुल मिला के आज का दिन थोड़ा हैक्टिक तो रहा। हमने सुबह 2 बजे करीब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने घर से, और हमने सोचा ही था कि लगातार ही हम आएंगे, और बीच में रुके थोड़े बहुत, हम रुकते थे 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक, तो हैक्टिक था, बट हमने जो टारगेट था हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। सो अब कल सुबह हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे जल्दी निकलने का, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ये टफ है, टफ पर मतलब कि ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ का एरिया है, तो यहाँ पे कई हो सकता है। देखो बोलते हैं बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, अंधेरे में क्यों ट्रैक करना है। तो हम 6 बजे सोच रहे निकलेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर है करीब मध्य महेश्वर मंदिर, और फिर उसके ऊपर एक और मंदिर है बुढ़ा महेश्वर बोलते हैं उसको, तो वो मेरे ख्याल से वो 2 किलोमीटर और है। तो कोशिश करेंगे वहाँ जाके हम सनसेट देखें, या फिर कल हम रात को वहाँ पे रुक जाएंगे और सनराइज़ देखेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। आज का दिन तो काफ़ी हैक्टिक रहा, लेकिन अब करीब 8 बज रहे हैं और अच्छी नींद आएगी, और कल सुबह शुरू करेंगे अपना व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।